एक बात मैं नहीं समझ पाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 तक थी और रसोइयों को मानदेय जो मिलता था वह मुश्किल से 500 रुपए से कम मिलता था। ये 3,72,000 जो रसोइयां हैं, 8 घंटे एक तो उनकी सेवा नहीं होती है, आप लोगों ने दूसरा उनके साथ अन्याय ये किया कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। तीसरा, मनमर्जी से चयन होता था, कोई मेरिट उसकी नहीं होती थी। ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया और 2022 में उनके मानदेय को हम लोगों ने न्यूनतम 2,000 रुपये तक किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। आपके समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, ये पैसा उनको 500 रुपये से भी कम मिलता था और उसमें भी चयन में भेदभाव होता था, चाहे वह आंगनबाड़ी का हो या रसोइया का। ये सभी बेहतरीन सेवा कर रही हैं और मैं सचमुच इनका सभी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि फील्ड लेवल में इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत बेहतरीन कार्य करके अपनी सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए बहुत अभिनंदनीय कार्य किया। और यही कारण है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या आंगनबाड़ी सहायक हो, इन सब के मानदेय में बढ़ोतरी भी की है। इन्हें टैबलेट से आच्छादित करने के साथ साथ इन्हें अतिरिक्त मानदेय भी मिल सके। एक तो फिक्स मानदेय है और इसके अलावा अतिरिक्त भी इनकी इनकम हो सके, इसका प्रावधान भी किया गया है। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहुत अच्छा उसके माध्यम से पैसा कमाती है। जैसे हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में, आपकी विधानसभा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई विधानसभा है, अब आप इस बात को देखते होंगे कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया है। पंचायत सचिवालय का निर्माण के पीछे का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम गांव को ही स्वावलंबी बना करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर सके। वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पंचायत सहायक रखा गया है, वीसी सखी रखी गई है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी वह गांव के अंदर वित्तीय लेन देन का काम करती है। हमने 6 महीने के लिए उन्हें एक निश्चित मानदेय के साथ जोड़ा, लेकिन जब उन बैंक से उनका कमीशन बन गया तो वह अब अपना पैसा कमा रही है। आपके सुल्तानपुर की एक बीसी सखी अब तक 15-15.5 लाख रुपए से अधिक का कमीशन प्राप्त कर चुकी है। यह कार्य उस पर निर्भर करता है। और पंचायत सहायक को भी हमने ऐसे 6,000 रुपये हम प्रतिमा देते हैं, वह गांव में 6,000 रुपये तो फिक्स मानदेय प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल या अन्य सभी योजनाओं से संबंधित जिन योजनाओं का वह ऑनलाइन सर्विस वहां दे रहा है, प्रति सर्विस उसको 5 रुपये अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। तो अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो वह उसको बेहतरीन इंसेंटिव वहां मिल जाता है, जो उसके मानदेय और वेतन से बेहतरीन पैकेज होता है। और मुझे लगता है कि कार्य के साथ साथ अगर हम उनकी जवाबदेही तय करते हैं तो जनता को बेहतरीन सेवा दे पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी में भी व्यवस्था की, फिक्स मानदेय के साथ साथ हम उनको ऐसा इंसेंटिव देंगे कि उस इंसेंटिव के माध्यम से उनकी एक फिक्स पैकेज उनको उपलब्ध हो सके। आंगनबाड़ी में भी यही किया गया है और समय आने पर जब इसके बारे में आवश्यक होगा तो अवश्य सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि जिन लोगों ने बेहतरीन कार्य किया है उनको बेहतरीन मानदेय या उनको उस प्रकार का पैकेज भी प्राप्त हो।